तो आज हम बात करेंगे शेपर्ड्स करेक्शंस फॉर ग्रुपिंग एरर। यानी हम देखते हैं कि जब हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं, उस वक्त हम एक असम्पशन लेके चलते हैं। वो असम्पशन क्या है कि फर्ज करें अगर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हम सपोज करते हैं 20 से 30 मार्क्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो 12 हैं, 30 से 40 मार्क्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो लेट्स से 9 हैं, 40 से 50 मार्क्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो 11 हैं, 50 से 60 मार्क्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो 13 हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लास इंटरवल्स। ये क्लास इंटरवल्स हैं जिनका साइज जो है वो क्लास इंटरवल का साइज क्या है, 10, बिकॉज 20 से 30 तक का जो डिफरेंस है वो 10 का है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 12, 9, 11 डिफरेंट क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी की बने। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो क्या है, आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे, जो फार्मूला आएगा हमारे पास, समेशन फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन, या अगर आप स्क्वायर रूट नहीं करते तो स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस। तो इसमें जो हमारे पास एक्स वैल्यू है ना, व्हाट इज द एक्स वैल्यू, अब ग्रुप डेटा में हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप में तो बना लिया, लेकिन ग्रुपिंग करते वक्त हमारे पास एक एरर आ गया, इसी एरर को हम ग्रुपिंग एरर कहते हैं। वो एरर क्या है कि जब आप मीन वैल्यू में से, यानी मीन वैल्यू में से, यानी एक्स माइनस मीन वैल्यू कराएंगे, तो वो एक्स क्या होगा, वो एक्स यहां पे हम एक और कॉलम बनाएंगे, इसको हम लिखते हैं क्लास मार्क, जो कि क्या होती है, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, यानी 20 और 30 की मिड वैल्यू, जो कि क्या है, 25, 30 और 40 की मिड वैल्यू 35, 40 और 50 की मिड वैल्यू 45, 50 और 60 की मिड वैल्यू 55। ये मिड वैल्यू बेसिकली इस मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, जो कि हमारी एक सम्पशन है, हमने इसको फर्ज कर रखा है। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि जब आप 25 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं मीन वैल्यू से, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तमाम बच्चों के मार्क्स, यानी 20 से लेके 30 तक स्कोर में जो 12 बच्चे हैं, हर बच्चे के मार्क्स 25 हैं, ऐसा नहीं है। किसी के मार्क्स 21 होंगे, किसी के 22 होंगे, ये हो सकता है तीन बच्चों के 22 हों, उसके बाद 29 वाले भी होंगे, एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह से हमारे पास, हम अपनी खुद से सपोज की हुई असम्पशन की बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस करते हुए जाते हैं, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है, बिकॉज उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे देन स्क्वायर भी करेंगे, जिससे इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिंपल ऐड कर ले तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव का इम्पैक्ट खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियंस आता है वो अनकरेक्टेड या वो फॉल्ट, वो उसमें फर्क होता है। ठीक है, तो अगर आपने उस वेरियंस को करेक्ट करना है, जिसका यानी करेक्टेड वेरियंस फाइंड आउट करना है हमने, तो उसका जो सिंपल मेथड है, जो हमें शेपर्ड्स ने बता रखा है, वो क्या है कि हम जो हमारे पास वेरियंस आ गया फॉर ग्रुप डेटा, जो कि अनकरेक्टेड है, ठीक है, करेक्टेड नहीं है, एरर उसके अंदर है, वेरियंस जो आ चुका है, इसमें से हम माइनस करा देंगे सी स्क्वायर बाय 12 को, सी स्क्वायर बाय 12 को। अब सी क्या है, सी दरअसल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। जैसे यहां पे क्लास इंटरवल का साइज क्या है, 10, तो फर्ज कर लें हमारे पास अगर जो है एक वेरियंस की वैल्यू आती है, फर्ज कर लें 2000, ठीक है, को वेरियंस आ गया 2000, तो अगर 2000 में से हम माइनस करें और सी अगर आप यहां पे देखें तो क्लास जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 कर दें, यह आ जाएगा 2000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो यह आ जाएगा जी, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, यह आप देख सकते हैं जी, 100 डिवाइडेड बाय 12 जो है ये कितना आ गया, यह आ गया 8.33, और माइनस करा देंगे, यानी बेसिकली नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे माइनस 2000, सॉरी अगेन 100 डिवाइडेड बाय 12 यह आ गया 8.33 माइनस 2000, ये आ गया 1999, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद 0.67
सिक्स सेवन अराउंड अप कर दें, तो ये है करेक्टेड वेरियंस। इस तरह से शेपर्ड्स ने हमें बताया जी कि हम वेरियंस को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में पॉसिबल होगा, यानी आपने शेपर्ड्स करेक्शन कब अप्लाई करानी है उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशन है। अगर तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम उसकी कर्व ड्रॉ करें तो वो कर्व जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, यानी जो यानी सबसे पहली बात है कि डेटा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डेटा जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए। दैट मींस कि हमारे पास अगर हम डेटा कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो क्लास जो है वो लिमिट्स बनाएंगे, इस क्लास इंटरवल में से हम क्लास लिमिट बनाएंगे जिसका मेथड आप जानते हैं। डेटा शुड बी कंटिन्यूस सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो फ्रिक्वेंसी कर्व है वो बेस लाइन के बोथ साइड पे ग्रेजुअली अप्रोच करेगी, ग्रेजुअली अप्रोच करेगी किसको, बेस लाइन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रिक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व हमारे पास यूं बनती है, ठीक है, वो कर्व हमारे पास यूं बनती है। अगर आप ये देखें तो दोनों एंड पे ये ग्रेजुअली अप्रोच करिए बेस वेल बेस लाइन को, ग्रेजुअली अप्रोच करिए बेस लाइन को। और मेयरमेंट जो है नंबर थर्ड जो है वो क्या है, मेयरमेंट शुड बी रीजनेबली प्रिसाइज, यानी अगर आपने जो मेयरमेंट ले रखी हैं उनके अंदर प्रिसीजन होनी चाहिए, जो कि हम केमिस्ट्री का और फिजिक्स में भी हमने प्रिसीजन की बात की है बार बार, यानी जो जो मेयरमेंट्स हैं वो आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए, उनमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो इन अगर डेटा सेट आपका इन तीन कंडीशंस पे पूरा उतरता है तो हम उसके ऊपर शेपर्ड्स करेक्शंस के थ्रू, शेपर्ड्स करेक्शन के थ्रू जो है वेरियंस को करेक्ट कर सकते हैं।